Hello, my dear YouTube family. Welcome to my channel, Medicos Study Point. Myself, Dr. Vikas Yadav, I am MBBS final year. So, बच्चों बहुत सारे बच्चे को आप से confusion होती है कि sir, what is mop-up round? Mop-up round क्या होता है? हमने सुना है 200 number, 250 number, 300 number, 350 number, 400 number में government medical college MBBS seat मिल जाती है. Is this true? It is a very very big question mark on each and every part of each student, बच्चों. Because आपकी तरह जब मैं Neet aspirant था ना, मैं भी हमेशा ऐसी videos देखता था कि भाई कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाए मॉप-अप राउंड क्या होता है, क्या सच में इतने कम नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, कौन मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन से स्टेट में आप कॉलेज ले सकते हो. एवरी इच एंड डिटेल में इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आपके पास सारी मेरी वीडियोस आती रहे. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मॉप-अप राउंड से. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह बताना चाहूंगा बच्चों कि मॉप-अप राउंड बेसिकली होता क्या है. तो आपको सबको पता है कि आपकी काउंसलिंग दो स्टेप्स में चलती है. सबसे पहले आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है, आफ्टर दैट आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होती है. तो जब आपकी ऑल इंडिया में स्टार्टिंग में अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर दो राउंड जो होते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, उसके अंदर आप ऑल ओवर इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट में मतलब कॉलेज फिलअप कर सकते हो. दैट वॉज योर ऑल इंडिया काउंसलिंग. जो दो राउंड में जिसको सीट मिलना होता है, नहीं मिलना होता, कोई लेफ्ट कर देता है, व्हाटसो एवर, आपने जितने महीने भी काउंसलिंग की हो, दो राउंड जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद जितनी सीट्स बच जाती हैं ऑल इंडिया कोटा की, वो सारी सीट्स बच्चे मॉपअप में जाती हैं. ये मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं. इज इट क्लियर? ओके, नाउ उसके बाद जो भी सीट्स होती हैं, अगर उसमें भी बच्चे नहीं लेते हैं तो वो सारी की सारी सीट्स उस पर्टिकुलर स्टेट को चली जाती हैं जिस स्टेट में वो मेडिकल कॉलेज है. अब मैं बात करता हूं स्टेट कोटा काउंसलिंग की. तो बच्चों स्टेट कोटा काउंसलिंग के जो दो राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड, उसके अंदर सेम प्रोसेस होता है. कॉलेज फिलिंग होगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फीस पेमेंट हो जाएगी, अलॉटमेंट लेटर आएगा, जिसको कॉलेज मिलेगा वो रिपोर्टिंग कर देगा कॉलेज में, फर्स्ट राउंड इज क्लियर. उसके बाद जो सीट्स बच जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं लेते, खाली रह जाती है, दैट विल बी कवर्ड इन द सेकंड राउंड. सेम प्रोसेस फिर वही का वही, लेकिन इसमें जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो सेम अपना कॉलेज अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं. सो दैट वाज सेकंड राउंड. उसके अंदर सारी काउंसलिंग फिलिंग वही आपको सेम करना होता है, अपनी कॉलेजेस भरना होता है प्रायोरिटी के हिसाब से. हाँ, कुछ सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर मैं एक बार में बहुत सारे कॉलेज की काउंसलिंग कर सकते हो. हाँ जी बच्चे, आपके पास काउंसलिंग में आपके जितने कॉलेजेस हैं स्टेट में आप सारे भर सकते हो, वेदर गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो. ठीक है, आपको एन नंबर ऑफ कॉलेजेस जितनी भी आपके स्टेट में आप सारे फिलअप में कर सकते हो. ठीक है, तो आपका ये सेकंड राउंड होता है. फिर जब सेकंड राउंड में बच्चों सीट्स बच जाती हैं, दैट ऑल सीट्स विल गो टू द मॉपअप राउंड. अब हम आते हैं कि सर मॉपअप राउंड क्या होता है, मॉपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा. तो बच्चों जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में काउंसलिंग की है बट उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है, ऐसे सारे बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट सेकंड राउंड में काउंसलिंग की है, अगर उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, वेदर वो प्राइवेट हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी, और उन्होंने सीट लेफ्ट कर दी, मतलब नहीं लिया कॉलेज, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मॉप-अप राउंड. इज इट क्लियर? ये बहुत बड़ा पॉइंट है. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें अच्छा कॉलेज नहीं लग रहा था, हमने छोड़ दिया, हमको लगा मॉप-अप में अच्छा मिल जाएगा. बच्चे आप मॉप-अप में बैठ ही नहीं पाओगे, काउंसलिंग ही नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ऐसा चाह रहे हो कि मॉप-अप में जाए, तो फर्स्ट सेकंड राउंड में फिर आपको कॉलेज कोई ना मिले तो ही ले सकते हो. या तो और दूसरी चीज, और कौन बैठ सकता है, जिन बच्चों ने काउंसलिंग की ही नहीं, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर कोई काउंसलिंग नहीं की, ना रजिस्ट्रेशन किया ना कुछ किया, दे एवरीबॉडी, जो भी इतने सारे बच्चे हैं, जो सारे के सारे बच्चे आप जा सकते हो मॉप-अप राउंड के अंदर काउंसलिंग कर सकते हो. अब आ जाता हूं कि क्या मॉप-अप राउंड में रियली में 200 400 300 वाले बच्चों को मिलता है. इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स बच्चों, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कतई नहीं होता है. 200, 400, 300 नंबर, इट doesn't make like sense. ठीक है, क्यों? तो सर फिर क्या होता है, like अगर मैं एक एग्जाम्पल लू, इस बार कट ऑफ मान लेता हूं 580 जा रहा है जनरल का, इट इज नॉट एक्यूरेट कट ऑफ, मैं मान लेता हूं. ठीक है, 580 जा रहा है आपके, 580 आ रहा है. ठीक है, जनरल वाले को, ये मैं लोएस्ट बता रहा हूं, जिसको एक गवर्नमेंट कॉलेज, 580 वाले को, ऊपर वाले को सबको मिल गया. लास्ट स्टूडेंट था जिसके 580 आए थे, उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया जनरल कैंडिडेट को. ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड राउंड में सेम हो गया. सेकंड राउंड में बच्चों 2 से 4 नंबर का फर्क आता है. ठीक है, सेकंड राउंड हो गया तो सर 580 से मैं 575 मान लेता हूं, 575 पे सेकंड राउंड में लास्ट जनरल वाले को वो मिल गया. अब जो आपकी सीट, सपोज मॉपअप राउंड के अंदर 10 सीट बच गई है बच्चों, उसके अंदर आपका मैक्स बता रहा हूं द डिफरेंस विल बी ऑफ 5 मार्क्स. अगर आप और ज्यादा में से लिबर्टी लो तो मैं बोल दूं 10 मार्क्स, बट 10 तो कभी नहीं गया है मेरे जानते हुए, 4 साल 5 साल मुझे एमबीबीएस करते हुए हो गया है. उससे पहले मैंने 1 साल का मेरा खुद का ड्रॉप था, मैंने खुद नीट काउंसलिंग की है 2 बार, आई हैव नोन फ्रॉम 7 to 8 years बच्चों.
वो सारे सालों में कभी भी आपके मॉपअप राउंड का कट ऑफ नहीं गया है। 10 नंबर मतलब 5-6 नंबर कम हो सकता है, तो अगर मैं 575 बोल रहा था तो लीस्ट टू लीस्ट मानू बच्चों 568 टू 70 मान लू, इतना ही कम जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि कहां 585 जा रहा था उससे 580 जा रहा था, उससे 568 वालों को ही मॉपअप में सीट मिलेगी। तो ये जो आप भ्रम में जी रहे थे कि नहीं हमारे तो 400 नंबर होंगे तो मॉपअप में सीट मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, इट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स न्यूज, इट इज नॉट हैविंग एनी सेंस, इट इज नॉनसेंस, इज इट क्लियर? तो आई हैव टू टेल यू ईच एंड एवरी लाइन बच्चों, मैं आपके सामने जो रियल है वही बोलूंगा। मुझे आप लोगों को कोई वो नहीं बताना कि मैं सिर्फ झूठे झूठे बोलकर आप लोगों को खुश कर दूं, इट्स नॉट लाइक दैट बच्चों, यू ऑल नो दैट वी आर द डॉक्टर्स एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वी हैव टू गिव यू ईच एंड एवरी पॉइंट विद फुल क्लैरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, इज इट क्लियर? सो दैट वॉज रियल रियल अबाउट आपका जो भी मॉपअप राउंड है, सो यू प्लीज जस्ट गो थ्रू इट, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मेरे से, मैं सारे रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो मेडिको स्टडी पॉइंट के नेम पर, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, वहां सारी अपडेट्स आपको मैं देता रहूंगा अकॉर्डिंग टू द मॉपअप राउंड एंड ऑल दैट, ठीक है? तो आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे से, ओके? टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और जिनको भी मॉपअप राउंड से कोई भी कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहेगी। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।